आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, किस लिए रखा गया ये प्रेस वार्ता की जा रही है और क्या मकसद है आपका? जी, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाए। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार द्वारा भी जो हाल ही में हमारे भारत वर्ष का आम बजट जारी हुआ है, उस बजट में शिक्षा से संबंधित जो सुझाव, जो नवीन प्रयोग भारत सरकार द्वारा रखे गए हैं, उनका स्वागत के लिए और उनमें कुछ सुझावों को विद्यार्थी परिषद के जो पूर्व के सुझाव हों उनको भी सम्मिलित करने के लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। साथ ही आम बजट में जो कुछ विषय बोले गए हैं उनका पूर्ण रूप से भी स्पष्ट नहीं किया गया है, उनको स्पष्ट करने के लिए भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार से उनका स्पष्टीकरण मांगती है। क्या मांग है आपकी, क्या आप स्पष्टीकरण मांगना चाहते हैं? देखिए, अभी जो नया प्रयोग है कि सबसे जो शिक्षा के क्षेत्र में FDI का एनवायरमेंट, पहले तो मैं आपको बताऊं भारतवर्ष में शिक्षा जो हमारा शिक्षा तंत्र है, शिक्षा गरीब हर व्यक्ति को सरल सस्ती सुलभ शिक्षा प्राप्त हो सके, इस उद्देश्य से भारत में शिक्षा के तंत्र को स्थापित किया गया। साथ ही सरकार का जो प्रयास हुआ है कि इस बार 3% खर्च किया, उसके अब विद्यार्थी परिषद स्वागत भी करती है, लेकिन सरकार से फिर मांग करती है कि पूर्ण बजट का 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। नेशनल पॉलिसिंग यूनिवर्सिटी, जो ये दो यूनिवर्सिटी के लिए घोषणा की है, इसके अंदर क्या पाठ्यक्रम होगा, इसका भी अभी स्पष्ट रूप में वित्त मंत्री जी ने नहीं बताया कि जो न्यू नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी बन रही है इसमें क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, कैसा पाठ्यक्रम होगा, किस तरीके से छात्रों का इसमें एडमिशन होगा, क्या प्रोसीजर होगा, उस प्रोसीजर को भी पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाए। इन सब सुझावों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज प्रेस वार्ता का आयोजन कर रही है।